Hello kids, welcome back to your English class. And I am back with a new lesson of your series Literary Journeys and English Reader for Class 7 by Brainroot Publications. Children, today we are going to start a new lesson of your book and we are going to do chapter number 7, The People's President, APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam ek bahut hi famous scientist the. और वो हमारे भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं. आज हम उनकी ही इंस्पायरिंग लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रीड अबाउट द लाइफ ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हु हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस. उनका जीवन कई लोगों के लिए, ना सिर्फ भारतवर्ष में लोगों को वो प्रेरणा देते हैं बल्कि दुनिया में कई लोग जो हैं APJ अब्दुल कलाम से प्रेरित हुए हैं. उनका जीवन अपने आप में ही अनुसरणीय है. व्हेन योर फेवरेट लीडर्स नेम इन द बॉक्स, यू हैव टू राइट योर फेवरेट लीडर्स नेम इन द बॉक्स. इन द एडजॉइनिंग बॉक्सेस राइट 4 लीडरशिप क्वालिटीज ही और शी हैज़. नाउ दिस इज़ समथिंग यू विल डू. लाइक यहाँ पे आप लीडर का नाम लिखेंगे, अपना जो भी आपका फेवरेट लीडर है उसका नाम लिखेंगे और उनकी कोई भी 4 क्वालिटीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, आपके फेवरेट लीडर में उनकी जो 4 क्वालिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है. ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में ही लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उसके बाद ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्रेव, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, है ना, वेरी काइंड एंड लविंग. तो ये सारे उनकी क्वालिटीज़ हैं. तो इस तरीके से आपकी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी, कोई भी जो लीडर है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं उनका नाम आप लिखेंगे और उनकी 4 क्वालिटीज़ इसमें लिखेंगे. इमेजिन दैट यू हैव बिकम अ लीडर इन फ्यूचर, मेक अ लिस्ट ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू डू एज अ लीडर, इंक्लूड एटलीस्ट 4 एस्पिरेशंस, देन शेयर इट विद योर क्लासमेट, वॉट शुड यू डू टू अचीव योर ड्रीम्स. और इसके बाद आप खुद अपने आप को सोचिए कि आप भी लीडर बनना चाहते हैं. अगर आपको कभी मौका मिला लीडर बनने का तो आप क्या क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर देखना चाहेंगे और आप क्या क्या करना चाहते हैं लीडर बनने के बाद. ऐसी कोई 4 चीज़ें आपको लिस्ट में लिखनी हैं कि जब आप लीडर बनेंगे तो आप वो कौन कौन से 4 काम करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. लेट्स गेट स्टार्टेड. Dr. APJ Abdul Kalam was an unusual personality who made missiles but talked of peace, education for all and the empowerment of students as he was convinced that the young generation is the hope for the future. तो Dr. APJ Abdul Kalam एक अद्भुत व्यक्तित्व है. वो एक ऐसे इंसान हैं जो मिसाइल्स बनाते थे लेकिन हमेशा शांति का संदेश देते थे. मिसाइल्स तो वो साइंस के लिए बनाते थे, डेफिनेटली साइंस उनका सब्जेक्ट था, मिसाइल्स बनाते थे वो, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है. उनका हमेशा मानना है कि विश्व में हमेशा शांति होनी चाहिए और हमारा जो यंग जनरेशन है यानी जो यूथ है ना, जो हमारे छोटे बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य हैं और इसीलिए उनको एजुकेट करना या उनको हर तरह का ऐसा माहौल देना जहाँ वो प्रोग्रेस कर सके, जहाँ वो उन्नति कर सके, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इन हिज ओन वर्ड्स, आई विल कीप द लैम्प ऑफ नॉलेज बर्निंग टू अचीव द विजन डेवलप्ड इंडिया. इट इज़ एग्जैक्टली वॉट डॉक्टर अब्दुल कलाम डिड, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू लर्न, क्वेश्चन, ड्रीम एंड फुलफिलिंग देयर गोल्स इन लाइफ. उनके अपने शब्दों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि वो जो यंग माइंड्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा शिक्षित करना चाहते हैं और वो इसका निरंतर प्रयास आजीवन करते रहेंगे. और उन्होंने ऐसा ही किया, ना केवल उनके जीवन काल में बल्कि उनके मृत्यु के बाद भी, मतलब उनके जाने के बाद भी आज भी बच्चे उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर यानी उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर चल के वो आज काफ़ी कुछ हासिल कर रहे हैं. ठीक है, डॉक्टर कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 इन रामेश्वरम, तमिलनाडु. तमिलनाडु में एक बहुत सुंदर सा शहर है रामेश्वर. रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग भी है, शिवजी का लिंग भी है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है. वहाँ उनका जन्म हुआ, ठीक है, 1931 में. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर्स.
उनके चार भाई और एक बहन थी और वो उन सब में सबसे छोटे थे. हिज फादर ओन्ड अ फेरी वाइल हिज मदर वॉज अ हाउस वाइफ. द फैमिली लॉस्ट मच ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड वेल्थ व्हेन डॉक्टर कलाम वॉज यंग एंड ही सोल्ड न्यूज़ पेपर्स टू सप्लीमेंट द फैमिलीज इनकम. अब उनके पिताजी जो हैं फेरी करते थे और उनकी माता जी जो हैं वो एक हाउस वाइफ थी. ठीक है. और जब कलाम काफ़ी छोटे थे उसी दौरान उनकी फैमिली ने बहुत सारा जो अपना संपत्ति था और धन था वो किसी कारण के चलते खो दिया. इसीलिए कलाम का जो बचपन है या कलाम का जो परिवार है जब वो छोटे थे उन्होंने देखा काफ़ी सारी परेशानियों में से ही गुजरा है. और क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे तो कलाम ने बचपन में यानी अपने अर्ली डेज में कई बार जो है न्यूज़पेपर बॉय का काम भी किया है यानी अखबार बांटने का काम भी किया है. Although he was an average student at school, he took great interest in mathematics and was devoted to his studies. He completed his schooling from Scott's Higher Secondary School, Ramananthapuram, and went on to attend St. Joseph's College in Tiruchupalli, where he graduated in physics in 1954. So, Kalam बचपन में बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट बच्चों में से नहीं आते थे. ऐसा नहीं था कि वो हमेशा ही टॉप करते थे. वो एक एवरेज स्टूडेंट थे लेकिन उनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. ठीक है. उनको हमेशा क्या रहता था कि मैं नई नई चीज़ें सीखूं, मैं जितना भी पढ़ रहा हूं उसको बहुत ध्यान से पढ़ूं. और इस तरीके से उन्होंने स्कॉट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामानंदपुरम से अपनी स्कूलिंग ख़त्म की और स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद वो चले गए सेंट जोसेफ्स कॉलेज जो कि तिरुचिपल्ली में है वहाँ पर अपना ग्रेजुएशन करने. उन्होंने फिज़िक्स में ग्रेजुएशन की इन 1954. ही देन वेंट ऑन टू स्टडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. और इसके बाद वो एरोनॉटिक्स पढ़ने के लिए चढ़े गए. एरोनॉटिक्स मीन्स एरोस्पेस. ऑलराइट. After his graduation, he joined the Aeronautical Development Establishment of Defense Research and Development Organization, that is DRDO, as a scientist. यानी अपने graduation के बाद उन्होंने DRDO में as a scientist, as a वैज्ञानिक काम करना शुरू किया. What made Kalam a scientist with a difference? ऐसा क्या था? Scientists तो बहुत सारे हैं इंडिया में, वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, लेकिन उन सब में से भी कलाम कैसे अलग थे, कैसे भिन्न थे, उन वही इतने ज़्यादा पॉपुलर क्या हुए, क्यों उनकी खोज करने का तरीका या उनका अप्रोच ऐसा क्या उनमें अलग था जिसकी वजह से वो दूसरों से अलग माने जाते हैं. ही वॉज अ ग्रेट लर्नर हु हैड एन इनसेटिएबल क्यूरियसिटी, अ जेस्ट फॉर लाइफ एंड एन ऑप्टिज्म विच मेड हिम रीच आउट फॉर द इम्पॉसिबल. He was closely associated with India's civilian space program and military missile development efforts. अब साइंटिस्ट का काम क्या करना होता है? रिसर्च वर्क, खोज करना, इन्वेंशंस करना, जो कि आमतौर पे सभी लोग करते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, वैज्ञानिक लोग एक ही चांस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते है ना. कई बार एक्सपेरिमेंट करते करते वो हार जाते हैं. लेकिन कलाम उन लोगों में से थे जो कि कभी भी हार नहीं मानते थे. अगर वो कुछ करते करते हार भी जाएं, वो दोबारा कोशिश करते जब तक उनको हासिल नहीं हो जाता जो भी वो चाहते हैं, यानी अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेते थे, तब तक वो कोशिश करते रहते थे. ठीक है. ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी. और वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने मिसाइल्स बनाई इंडिया में, ऐसे पहले वैज्ञानिक बने जिन्होंने इंडिया में मिसाइल्स का निर्माण किया और इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. डॉक्टर कलाम हिमसेल्फ एक्नॉलेज्ड, आई लर्नड लीडरशिप फ्रॉम 3 ग्रेट टीचर्स, डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश. उनका कहना है कि उन्होंने अपने गुरुओं से, अपने टीचर्स से बहुत कुछ सीखा है और लीडरशिप स्किल्स जो है 3 लोगों से उन्होंने सीखी हैं. एक तो है डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च सेंटर के फाउंडर रहे हैं, प्रोफेसर सतीश धवन एंड ब्रह्म प्रकाश. दिस वॉज द टाइम ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज फॉर मी. और जब मैं इन लोगों के सानिध्य में था, इन लोगों के साथ काम करता था, तो इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है. ही बिलीव्ड इन द प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ साइंस एंड thought that nanotechnology is the field of future and that will replace microelectronics and
has tremendous application potential in the areas of medicine, electronics and material space. तो उनका मानना था कि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्लेस कर देगी और उनका जो विजन था वो बिल्कुल सही है. आज नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से साइंस बहुत आगे पहुंच चुका है, चाहे मेडिसिन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मटेरियल साइंस हो, हर जगह जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है. डॉक्टर कलाम सर्व्ड एज चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द DRDO फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999, यानी लगभग 8 वर्ष तक उन्होंने DRDO में चीफ साइंटिस्ट की तरह काम किया है और हमारी गवर्नमेंट के साथ, उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देना, इसका काम भी वही करते थे, एडवाइजेज ऑन द मैटर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. ही देन सर्व्ड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007. इसके बाद वो 5 साल तक इंडिया के राष्ट्रपति पद पे नियुक्त हुए. 2002 से लेके 2007 तक प्रेसिडेंट कलाम ने हमेशा जो है राष्ट्रपति के तौर पे इंडिया को प्रोग्रेस ही करने की प्रेरणा दी है. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. डॉक्टर कलाम हैड ऑल्सो रिसीव्ड द भारत रत्न, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, बिफोर ही सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. उनको जो भारत का सबसे ऊंचा अवार्ड है यानी भारत रत्न, वो भी मिला हुआ है प्रेसिडेंट बनने से ही पहले. उनकी कई सारी अचीवमेंट्स की वजह से ही वो पहले वैज्ञानिक बने जो इंडिया में प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हुए यानी राष्ट्रपति बने. डॉक्टर कलाम इज़ नाउ फॉन्डली रिमेंबर्ड ऑन द प्रेसिडेंट्स एस्टेट इन न्यू दिल्ली फॉर द लीगेसी ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड. हिज डिस्टिंक्शन ऑफ लाइब्रेरी, अ टेक्टाकल गार्डन फॉर विजुअली चैलेंज्ड एंड हेल्थ केयर सेंटर, स्ट्रीट लाइट्स, पेवमेंट्स, न्यू स्टाफ क्वार्टर्स एंड अबव ऑल फॉर ओपनिंग द राष्ट्रपति भवन टू एवरीवन. और लोगों ने डॉक्टर कलाम को अलग अलग चीज़ों के लिए याद रखा है. उन्होंने राष्ट्रपति जब वो थे तो तब उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें याद रखते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, राष्ट्रपति भवन में अब लोग जा सकते हैं, ओपन है वो लोगों के लिए, जा सकते हैं मतलब परमिशन के साथ जाना, ये भी डॉक्टर कलाम की वजह से ही संभव हो पाया. उन्होंने जब वो राष्ट्रपति थे तो कई स्कूल के बच्चे, डेलीगेट्स या नॉर्मल लोग भी मीटिंग करने के लिए उनके साथ राष्ट्रपति भवन में जाते थे. तो ही वॉज सो हम्बल एंड ग्राउंडेड. ऑलराइट. इसके अलावा उन्होंने बहुत सुंदर जो है लाइब्रेरी क्रिएट की हुई है जो आज भी लोगों को मदद करती है. उन्होंने गार्डन बनाया है विजुअली चैलेंज लोगों के लिए, ताकि विजुअली चैलेंज लोग यानी जो देख नहीं सकते ठीक से, वो भी जाकर दूसरी चीज़ों को अनुभव कर सकें. ठीक है. इसके अलावा उनकी जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, या जो भी उन्होंने कार्य किया है अपने कार्यकाल में, वो आज भी लोगों को प्रेरणा देता है और आज भी लोग उनको उन सब कामों के लिए याद करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम्स पर्सनैलिटी वेयर हिज सिम्प्लिसिटी, हिज चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म एंड हिज मॉडेस्टी डिस्पाइट ऑल द एकोलेट्स ही हैड रिसीव्ड थ्रू आउट हिज ग्लोरियस करियर. उनका जो सबसे अच्छी चीज़ जो उनको भिन्न करती है दूसरे लोगों से, वो था उनके अंदर हमेशा एक बहुत एनर्जेटिक एक इंसान का वास करना. मतलब वो ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी से भरपूर थे. वो बच्चों की तरह बच्चों से मिलना, बच्चों के साथ उठना बैठना और बच्चों के जैसे लोगों से मिलना, ये सब बहुत पसंद करते थे और बहुत ही एक सादा जीवन जीते थे. कभी भी उन्होंने किसी बाहरी अडंबर को अपने आसपास नहीं आने दिया. वेरी फ्यू पब्लिक फिगर्स इन रीसेंट मेमोरी हैव एंडियर्ड देमसेल्व टू द सेक्शंस ऑफ अ कंट्री एज ही डिड. ही वॉज एन एजुकेटर पार एक्सीलेंस हु स्ट्रांगली बिलीव दैट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी क्रिएटेड फॉर ऑल चिल्ड्रन एज इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन एलिवेटिंग पावर्टी. डॉक्टर कलाम का ये मानना था कि गरीबी को हटाने के लिए सबसे पहला ज़रूरी काम जो है, हमारा जो पॉपुलेशन है स्पेशली बच्चे हैं, उन सभी को एजुकेट करना, क्योंकि एजुकेशन से ही लोग अपनी लाइफ को बेहतर कर पा सकते हैं. हिज मैसेजेस टू चिल्ड्रन ऑलवेज इकोड हिज बिलीव्स दैट स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद विंग्स टू फ्लाई. ही स्ट्रांगली बिलीव दैट द रोल ऑफ अ टीचर इन शेपिंग यंग माइंड्स. ही वंस सेड
Creativity is the key to success in future, and primary education is where teachers can bring creativity at the children at that level. So उनका कहना था कि बच्चे जो हैं हमारा देश का भविष्य हैं, और हमेशा बच्चों को उड़ने के लिए पंख देने चाहिए, उन्हें वो हौसला देना चाहिए ताकि वो हमेशा आगे बढ़े, किसी भी डर से डरे नहीं, हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें. और इसमें एक अध्यापक या एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है. एक टीचर किसी भी बच्चे की लाइफ को बिल्कुल बदल सकता है, राइट. He kept meeting his students whenever and wherever he could, urging them to break free the shackles of poverty, tradition and ignorance, motivating them to dream big and aim for the sky. और वो क्या करते थे, वो हमेशा यही कोशिश करते रहते थे कि बच्चों को वो मोटिवेट कर सके, प्रेरित कर सके, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी सारी जो बाधाएं हैं, गरीबी है या किसी तरह की जो पारंपरिक बाधाएं हैं, इन सब को जो है छोड़ के, पीछे छोड़ के आगे बढ़ें और बड़े बड़े सपने देखें. और सिर्फ सपने देखें ही नहीं, बल्कि सपने को पूरा करने का जज्बा भी रखें. He wanted students to question, explore, develop and confidence and courage to think big and live their dreams. He was an optimist who saw innumerable opportunities at every corner and believed earnestly that India could be one of the most developed nations of the world if we harnessed our talents, made use of our opportunities and pursued a path of common sense. Dr. Kalam ka ye manna tha ki agar hum apne population ko sahi disha de sake, unko sahi tarike se train kare, hai na, hamare jo bacche hain unko hum sahi अपॉर्चुनिटीज़ दें प्रोग्रेस करने की, है ना, तो फिर इंडिया सबसे डेवलप्ड नेशंस में से एक माना जाएगा. इंडिया को प्रोग्रेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता. इंडिया में वो टैलेंट मौजूद है, जिस टैलेंट को अगर सही तरीके से तराशा जाए तो फिर ये देश का नाम सबसे आगे और सबसे ऊँचा करके दिखाएंगे. He deteriorated the dreams transformed into thoughts and thoughts result into action. According to him, dreams are not those which come while we are sleeping, but dreams are those when you don't sleep before fulfilling them. तो कलाम कहते थे कि सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देख रहे हैं, बल्कि सपना तो वो है जो हमें सोने ना दे जब तक हम उसको अचीव ना कर लें, है ना. क्योंकि कई बार होता है सोते सोते हम जो सपने देखते हैं वो हम भूल जाते हैं या फिर उन्हें हम पूरा नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा लक्ष्य या कोई ऐसा सपना जिसको हमने ठान लिया है कि हम इसे किसी भी तरह पूरा करेंगे और हम निरंतर कोशिश करते ही रहे जब तक हम उसको अचीव ना कर ले, जब तक हम उस लक्ष्य को ना पा लें, उसी को रियलिटी में सपना बोलते हैं. डॉक्टर कलाम सेट अ टारगेट ऑफ इंटरेक्टिंग विद 1 लाख स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द 2 years आफ्टर हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ साइंटिफिक एडवाइजर. He said, I feel comfortable in company of young people, particularly high school students. Henceforth, I intend to share my experiences with them, helping them to ignite their imagination and preparing them to work for a developed India for which the roadmap is already available. तो उन्होंने अपना जो DRDO से, जब वो साइंटिस्ट के पद से उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके बाद 2 साल तक उन्होंने ये टारगेट बना लिया था कि कम से कम मैं 1 लाख बच्चों से मिलूँगा. उनका मानना था पर्टिकुलरली जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी 9th से लेकर 12th तक के जो बच्चे होते हैं, 11th 12th के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा है. उन्हें उन बच्चों के साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज उन्हें लगता था यंग लोग जो हैं वो नए नए आइडियाज़ देंगे, उनके साथ चर्चा करने में किसी भी मुद्दे पे ज़्यादा मज़ा आता है. ठीक है, उनका मानना था कि वो जितना भी उन्होंने अपने जीवन काल में सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी उनके अनुभव हैं, वो इन बच्चों को वो दे, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ के इन एक्सपीरियंसेस की मदद से जो है प्रोग्रेस कर सकें. He was an inspiring and visionary leader who wanted young people to have the courage to think differently, to invent, to travel the unexplored path, to discover the impossible, to solve problems and to succeed. He motivated his students to be active and take on responsibilities and to work for the things they believed in and not surrender fate. उनका मानना था कि ये जो बच्चे हैं इनको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि वो हमेशा कुछ नया खोजें, कुछ इन्वेंशंस करें, ठीक है, और
वो ऐसे हर उस रास्ते को ढूंढ निकालने की कोशिश करे जिनको आज तक किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की है. ऑलराइट, वो हमेशा इसीलिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे कि स्टूडेंट्स हमेशा एक्टिव रहें और हमेशा जो है पढ़ते लिखते रहें, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें ताकि उन्हें जो है नॉलेज मिलती रहे या उनका नॉलेज जो है इंक्रीज़ होता रहे. कभी भी सिर्फ अपनी किस्मत पे सारी चीज़ों को ना छोड़ दे कि हमारी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते. उनका मानना था कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है और बच्चे अगर चाहें सही अपॉर्चुनिटी उसको यूज़ करके अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं. ही वॉज अ नेशन बिल्डर इन द ट्रू सेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसजेंडर कास्ट रिलीजियन एंड रीजन एंड लैंग्वेज. उनका अगर हम उनका लीडरशिप देखें जब वो प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से वो घुले मिले हैं या उन्नति के काम किए हैं, तो हम उनको एक सच्चा देशभक्त या सच्चा लीडर, सच्चा नेता बोलेंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी जात पात, गरीबी अमीरी इन सबको अपने काम के बीच में आने नहीं दिया. डॉक्टर कलाम वॉज अ पैट्रियट हु पॉन्डर्ड सीरियसली ओवर हाउ टेक्नोलॉजी कुड हेल्प देम एंड कॉमन मैन, द डिसेबल्ड एंड द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. व्हेन ही रियलाइज्ड दैट कोरोनरी स्टेंट, अ स्मॉल एक्सटेंडेबल ट्यूब इंसर्टेड टू फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट पेशेंट्स कॉस्ट 60,000, ही डिसाइडेड टू मेक प्रोटोटाइप एट मच लोअर कॉस्ट. He has made a safe, biocompatible and long-lasting stent from the alloys used in missile technology. He collaborated with Dr. Bhupati Raju Somaraju and two scientists developed the Kalam Raju stent, a low-priced, safe and effective device that has been used successfully to help many patients. जब उन्हें पता चला कि जो हमारे हार्ट में जिन हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं जिन्हें कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार स्टेंट डलना पड़ता है उनके हार्ट में, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि ब्लड फ्लो ठीक से हो सके, तो जब उन्हें पता चला कि उस एक स्टेंट का कॉस्ट जो है 60,000 है, जो कि आम इंसान शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, कई गरीब लोग हैं जो शायद सोच भी नहीं सकते इस बारे में, और इसके वजह से कई बार लोग जो है बिना चिकित्सा के मर जाते, तब उन्होंने अपने फ्रेंड डॉक्टर भूपति राजू सोमराजा के साथ मिलकर कलाम राजू स्टेंट बनाया, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट पे कई पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक बना है. डॉक्टर कलाम वॉज ग्रेट थिंकर एंड राइटर. द मोस्ट फेमस ऑफ हिज बुक्स आर विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन, मिशन इंडिया अ विजन फॉर इंडियन यूथ, इंस्पायरिंग थॉट्स एंड इंडोमिटेबल स्पिरिट. तो डॉक्टर कलाम इतने शिक्षित थे, एजुकेटेड थे कि उन्होंने बहुत सारी जो किताबें लिखी हैं जिनमें उन्होंने अपनी जीवन के बारे में भी लिखा है और यंग जनरेशन को स्पेशली इंस्पायर करने का मैसेज दिया है. तो ये उनकी फेमस चार किताबें हैं. फर्स्ट इज़ विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी अपनी जीवन की कथा है जिन्होंने खुद लिखी है. देन इग्नाइटेड माइंड्स, जो छोटे बच्चों के लिए है ताकि बच्चे सपने देख सकें. ऑलराइट, देन ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, माई जर्नी, किस तरह से उन्होंने अलग अलग तरीके से जो सपने देखे थे उनको अचीव किया उन्होंने, है ना, क्या क्या चीज़ें थी जिसने उन्हें इंस्पायर किया. एंड लास्ट इज़ मिशन इंडिया, जहाँ उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जो कि सबसे आगे हो, जिसमें जो है हर कोई बहुत खुशहाली के साथ रहे और जहाँ पर स्पिरिट सबका सबसे हाई रहे. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी फिनिश द चैप्टर, अ चैप्टर which tells about the inspiration that Kalam has left. He has left a legacy behind him which always will inspire us and our future generations. Na keval hame balki hamari aane wali aage ki peedhiyon ko bhi Kalam hamesha inspire karte rahenge. So children, let's go through the word meanings once again quickly. Unsatiables means unending, जिस जो कभी पूरा ना हो सके. Prototype, the first design, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो पहला डिज़ाइन या लेआउट होता है, that is prototype. Acquisition means gathering, इकट्ठा करना. Elevating means poverty को कम करना, ठीक है. Transcend means जो दूसरों से ऊपर उठ सके. Biocompatible means which is not harmful for us, living organisms या हमारे body के अंदर जो tissues हैं उनको, जिससे हानि ना पहुँचे. सो चिल्ड्रेन, वी आर डन, नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस. तो आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड.
First of all, we have take the correct options. Multiple choice questions. So one by one, let's take up. First, which word from the following is the meaning of unsatiable? Satisfactory, unending, commencing, progressive. So unending is unsatiable. Okay, next, second one. According to the text, Dr. Kalam was a patriot. Who is a patriot? One who studies a lot, one who researches, one who works for other, one who loves for his nation. जो अपने देश के लिए काम करता है उसे ही सच्चा देशभक्त बोलते हैं, उसे ही patriot बोलते हैं. So D option is correct, one who loves his nation. Third, what is Kalam Raju stent? A low price, safe and effective device for heart patients. This is correct. बाकी सब जो है it's not correct. Clear? Now let's move further. Fourth one, which of the following books is Kalam's autobiography? Kalam ki autobiography hai Wings of Fire. Humne abhi abhi padha. So Wings of Fire B option is Kalam's autobiography, jahan unhone apne jeevan ki kahani ko likha hai. Now next question, fifth one, which of the following was not a personality trait of Kalam? Simplicity, modesty, childlike enthusiasm, short tempered. So out of all these, in sab mein se short tempered is the correct option. शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब गुस्सा होना या बात बात पे चिड़चिड़ा होना. कलाम बिल्कुल ऐसे नहीं थे, वो बहुत ही सहनशील और शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे. वो बिल्कुल किसी पे कभी गुस्सा नहीं करते थे और हर किसी से बहुत ही प्रेम के साथ मिलते थे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ लेट्स मूव टू द बी एक्सरसाइज, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. वी हैव टू कम्प्लीट दिस सेंटेंसेस विद सूटेबल वर्ड्स. हमें जो है इन वाक्यों को पूरा करना है इनमें सही शब्द ऐड करने के बाद. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट वन, डैश वॉज अ लो प्राइस सेफ एंड इफेक्टिव डिवाइस टू हेल्प मेनी पेशेंट्स. द स्टेंट दैट वॉज मेड बाय कलाम एंड हिज फ्रेंड. ऑल राइट, सो कलाम राजू स्टेंट. कलाम राजू स्टेंट. Clear. Next, second one, Kalam felt dash in company of young people. Kalam felt energetic. Energetic, inspired. All right. He felt very good in the company of young people. उन्हें हमेशा बच्चों से घिरे रहना ज़्यादा पसंद था. थर्ड वन, कलाम्स ऑटोबायोग्राफी इज नेम्ड एज विंग्स ऑफ फायर. कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर. क्लियर. फोर्थ सेंटेंस, कलाम सोल्ड डैश टू सप्लीमेंट द फैमिलीज इनकम. जब कलाम छोटे थे तब वो क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर्स सेल करने जाते थे, है ना, ताकि वो अपने फैमिली के इनकम को सपोर्ट कर सके. तो दैट इज़ वाई कलाम सोल्ड न्यूज़पेपर्स. वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर्स बेचते थे. ऑल राइट. नेक्स्ट फिफ्थ वन, He set a target of interacting with dash students. कितने students से मिलने का target बना लिया था उन्होंने, 1,00,000. All right, 1,00,000 students से उन्होंने बनाने का target कर लिया था. Clear है, is it clear? So this is done. You have to write this in words. 1,00,000 better है. आप figures की जगह इसे better है वर्ड्स में लिखिए, आप 1,00,000 लिखिए, ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग इंग्लिश सो इट्स इज़ बेटर वी यूज़ मोर वर्ड्स. ऑल राइट, नाउ चिल्ड्रन इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइज नंबर सी. राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यानी सही और गलत हमें पता करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट, कलाम वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड. नो, दिस इज रॉन्ग. ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, Kalam was the 10th president of India. No, he was the 11th president of India. So this is true. This is false again. Sorry, this is false again. He was not the 10th president. Yahan 10th diya hua hai, so this is wrong. He was actually 11th president. All right, third one, Kalam motivated the students to be active and take on responsibilities. Yes, true. Wo hamesha bachcho ko prerna dete rehte the taki wo aage badhe aur responsible bane. Fourth one, Kalam was born in Rameshwaram. Yes, this is true. He was born in Rameshwaram. Fifth one, Kalam was the eldest child in his family. No, again, this is false. He was the youngest child. This is not right. यहाँ पे ये गलत है,
ठीक है, यहाँ पे यंगेस्ट होता तो ये सही होता, ये बिल्कुल गलत है। कलाम अपने घर के सबसे छोटे सदस्य थे। ऑलराइट, सो वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस। आप आई होप यू हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड योर्स। सो चिल्ड्रेन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई विल मीट यू अगेन सून विद अ न्यू चैप्टर एंड अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियोज़। बाय बाय एंड टेक केयर।